महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों में जीवन को सही दिशा दिखाने का बोध होता था। बुद्ध जी की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध जी का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब बुद्ध जी का प्रवचन समाप्त हो जाता है तो वह बुद्ध जी के पास गया और बोला, महाराज मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पा रहा हूँ जैसा यहाँ सुनकर जाता हूँ। इससे मुझे सत्संग के महत्व पर शंका होने लगी है, बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध जी ने युवक को एक बांस की टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने को कहा, परंतु युवक उसमें जल भरने में असफल रहा। बुद्ध जी ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए युवक को कहा। अब युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने लगा, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। अब कुछ दिनों बाद महात्मा बुद्ध फिर उस युवक से पूछते हैं, तुम्हें कुछ फर्क नजर आया? युवक बोला, नहीं महाराज मुझे कुछ खास फर्क नजर नहीं आया। पहले ये टोकरी गंदी थी लेकिन अब ये साफ दिखाई दे रही है। फिर बोला, हाँ प्रभु एक फर्क और नजर आ रहा है। पहले इसके छेद बड़े होते थे लेकिन अब इस टोकरी के छेद छोटे नजर आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने फिर युवक को समझाया कि इसी तरह अगर तुम रोज टोकरी में निरंतर पानी भरते रहोगे तो ये छेद अपने आप फूल कर बंद हो जाएगा और तुम टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार अगर तुम निरंतर सत्संग सुनते रहोगे तो तुम्हारा मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाएगा और जितने भी अवगुणों के छिद्र हैं वो अपने आप भर जाएंगे। अगर कोई लगातार निरंतर सत्संग को सुनता है तो दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सदा चारों का आलोक प्रसारित कर देते हैं। चाहे सत्संग हो या फिर अध्ययन हो, अगर कोई भी काम नियमित रूप से किया जाए तो तुरंत असर नहीं लेकिन धीरे धीरे असर जरूर दिखेगा। आप उस काम में महारत हासिल जरूर कर लेंगे।